गाइस आज करते हैं कैमरा टेस्ट आईफोन 16 वर्सेस गैलेक्सी S24। अब देखो प्राइस यहां पर दोनों ही फोन का थोड़ा डिफरेंट है। दोनों ही फोन अपने अपने सेगमेंट में फ्लैगशिप है, एक iOS एंड एक Android। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन है लोगों का कैमरा के अंदर में, क्योंकि आईफोन 16 का लॉन्चिंग प्राइस है 80,000 एंड गैलेक्सी S24 अभी आपको अंडर 60K में देखने को मिल रहा है। आप कंफ्यूज ज्यादा हो कि कैमरा के लिए कौन सा फोन बाय करना है, तो वेल आज मैं करने वाला हूँ कंप्लीट कैमरा कंपैरिजन इन डिटेल्स, डे लाइट, लो लाइट, फोटोज इंक्लूडिंग वीडियोस, और मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे कौन सा फोन कैमरा में कितना बेटर आउटपुट निकाल के दे पा रहा है। एक्सेप्ट कैमरा परफॉर्मेंस एंड जो रिव्यू है वो आपको मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। पहले मैं करता हूँ कैमरा कंपैरिजन। देखो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कैमरा सेंसर्स की, तो आईफोन 16 के अंदर में जो रियर साइड में सिर्फ डुअल कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेल्फी 12 मेगापिक्सल। वेयर एज गैलेक्सी S24 के अंदर में आपको मिलता है रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का विद OIS एंड 10 मेगापिक्सल का 3x डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। तो गैलेक्सी S24 के अंदर में एक आपको एक्स्ट्रा लेंस मिलता है पोर्ट्रेट के लिए, टेलीफोटो लेंस, एंड इससे आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो फुल वीडियो देखने के बाद आप मुझे बताना कमेंट में आपको जो कैमरा सैंपल किसका बेटर देखने को लगा। अब गैलेक्सी S24 का प्राइस यहां पर काफी कम है, लॉन्चिंग प्राइस तो 80,000 था, बट अभी का प्राइस देखा जाए काफी कम है, अंडर 60 की आपको देखने को मिलता है। बट देखते हैं डिफरेंस कितना बड़ा देखने को मिलता है कैमरा के अंदर में। उससे पहले आप लोग को लाइक एंड करना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ एकदम ट्रू एंड ऑनेस्ट रिव्यू। तो लाइक तो बनता है। बाय द वे दोनों ही फोन के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गाइज अगर आपको किसी भी ब्रांड के स्मार्टफोन बाय करना है, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, आईफोन, रियलमी, या फिर मोबाइल के बैक कवर, एक्सेसरीज, हेडफोन, एयरपॉड्स, आप विजिट कर सकते हो अनंत गैलरी। यहाँ पे हर ब्रांड के फोन्स एंड लैपटॉप अच्छे प्राइस पे, डिस्काउंट प्राइस पे अवेलेबल है। एक बार आप विजिट जरूर करना एंड कूपन कोड मेरा यूज़ कर लेना, रियल सॉफ्टटेक। ओके, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कैमरा सेटिंग की दोनों ही फ़ोन की, देखो तो यहाँ पर आईफोन के अंदर में जो मेन वाला सेंसर है वो आपका है 48 मेगापिक्सल का, तो 1x 2x, एंड यहाँ पर सैमसंग के अंदर में 1x 2x अल्ट्रा वाइड 0.6, आईफोन में अल्ट्रा वाइड 0.5x, एंड वेयर एज पोर्ट्रेट की बात करेंगे सैमसंग में 1x 2x एंड 3x, 2x है डिजिटल, एंड आईफोन के अंदर में पोर्ट्रेट 1x एंड 2x। और यहाँ पर पोर्ट्रेट के अंदर में आप कलर फिल्टर भी दिए गए, काफ़ी सारे फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर कलर मोड का। ओके, एंड वेयर एज मैं बात करूँ अगर वीडियोस की, तो यहाँ पर देखो आईफोन के अंदर में 4K 60fps तक जाएगा मैक्सिमम रिजोल्यूशन, वेयर एज सैमसंग के अंदर में 4K 60fps एंड 8K 30fps का ऑप्शन भी अवेलेबल है, एंड फ्रंट कैमरा के अंदर में भी दोनों ही फ़ोन सपोर्ट करता है 4K 60fps। और अगर जूम की बात करेंगे सैमसंग जाएगा मैक्सिमम 30x तक, वेयर आईफोन जाएगा मैक्सिमम 10x तक फोटो के अंदर में जूम में। एंड यहाँ पे देखो आईफोन के अंदर में अलग से मैक्रो मोड भी इस बार दिया गया है जो अल्ट्रा वाइड से क्लिक करता है, सुपर मैक्रो का ऑप्शन, यहाँ पर क्लोज जाने पे आपको अनेबल हो जाता है सुपर मैक्रो का ऑप्शन। अब देखते हैं क्वालिटी किसकी बेटर निकल के आती है। अब यह है प्राइमरी कैमरा का सैंपल शॉट, तो यहाँ पर देखो कलर थोड़े से नेचुरल आता है आईफोन के अंदर में, एंड सैमसंग के अंदर में थोड़े से एप्लीजिन, थोड़े से कॉन्ट्रास्टी पिक्चर निकल के आती है। तो यहाँ पर देखो कलर कॉन्ट्रास्ट दोनों ही फ़ोन का वेल मेंटेन्ड है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है एक्सपोजर वगैरह कंट्रोल करने में। लेकिन जूम करने के बाद जो टेक्स्ट पे डिटेल जो शार्पनिंग वो स्लाइटली सैमसंग में थोड़ा सा बेटर मेंटेन्ड है, वेयर आईफोन में कलर थोड़े से नेचुरल साइड में रखते हैं, लेकिन डिफरेंस ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं लगा है, पिक्चर दोनों ही फ़ोन की अच्छी निकल के आती है। सेम एज अल्ट्रा वाइट के अंदर में यहाँ पर देखो अगेन कॉन्ट्रास्ट लेवल थोड़ा ज़्यादा है सैमसंग के अंदर में, देखो डार्क वाला एरिया स्लाइटली बेटर स्पोज निकल के आ रहा है आईफोन के अंदर में, कलर कॉन्ट्रास्ट आईफोन का थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल लगा है एक्सपोजर कंट्रोल करने में। अब यहां पर देखो पिक्चर को जूम करने के बाद जो डिटेल्स है दोनों ही फोन में तो इनफ है, लेकिन ये वाला देखो डार्क वाला एरिया स्लाइटली बेटर स्पोज निकल के आ रहा है आईफोन के अंदर में, कॉन्ट्रास्ट लेवल हाई होने के कारण यहां पर देखो पिक्चर तो अंडर स्पोज निकल के आती है सैमसंग की, डिटेल्स यहां पर दोनों ही फोन में इनफ निकल के आते हैं। अब यह है प्राइमरी कैमरा का सैंपल शॉट, तो यहां पर देखो स्काई में डायनेमिक रेंज दोनों ही फोन ने अच्छे कैप्चर किया, डार्क वाले एरिया थोड़ा बेटर स्पोज है यहां पर शैडो वाला एरिया आईफोन के अंदर में, कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ओवर रखता है सैमसंग, बाकी पिक्चर दोनों ही फोन की अच्छी निकल के आती है। अब यहाँ पर देखो ये वाला एरिया स्लाइटली बेटर स्पोज निकल के आ रहा है आईफोन के अंदर में, एंड सैमसंग के अंदर में थोड़ी सी अंडर स्पोज निकल के आ रही है, डिफरेंस ज़्यादा बड़ा देखने को लगा नहीं, एक्चुअल जो रेड कलर है वो आपको आईफोन ने मेंटेन किया। अब यहाँ पर देखो सेम एज अल्ट्रा वाइड के अंदर में पिक्चर में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ, स्लाइटली यहाँ पर सैमसंग थोड़ा सा बेटर निकल के आ रहा है अल्ट्रा वाइड के अंदर में, डिटेल्स थोड़ा बेटर कैप्चर कर लेता है सैमसंग अल्ट्रा वाइड के अंदर में। अब यहाँ पर देखो पिक्चर को जूम करने के बाद ये जो ये वाला एरिया है यहाँ पर देखो टेक्स्ट पे वो स्लाइटली डिटेल्स थोड़ा बेटर कैप्चर किया है सैमसंग, यहाँ पर साइड वाले एरिया को दोनों ही फोन ने बेटर पोज रखा है,
कलर कॉन्ट्रास्ट तो आईफोन में थोड़े से क्लोज टू नेचुरल आते हैं, बट पिक्चर यहाँ पर दोनों फोन की अच्छी। यहाँ पर देखो जो बोर्ड पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ ना, इस पर स्लाइटली जो डिटेल्स है वो आपको सैमसंग ने बेटर कैप्चर किया, और आईफोन थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल करता है कैप्चर करने में डिटेल्स। सेम एज प्राइमरी कैमरा में अगेंस्ट द लाइट में डायनेमिक रेंज दोनों फोन ने अच्छे कैप्चर किया, लेकिन यहाँ पर देखोगे आप जो डार्क वाले एरिया है वो स्लाइटली बेटर पॉइंट निकल के आ रहे हैं आईफोन के अंदर में। सेंसर यहाँ पर न्यू है आईफोन के अंदर में, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल अच्छे से कर लेता है। अब यहाँ पर देखो जो शैडो वाला एरिया वो स्लाइटली बेटर पॉइंट निकल के आ रहे आईफोन के अंदर में, लेकिन डिफरेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क देखने को मिलता है। सैमसंग भी अच्छे काम करता है यहाँ पर दिखा है। सेम एज अल्ट्रा वाइड के अंदर में अगेंस्ट द लाइन में डायनेमिक रेंज यहाँ पर दोनों फोन का अच्छा है, लेकिन अगेन यहाँ पर नोटिस करो कि आप जो शैडो वाला एरिया है वो आपको अगेन बेटर पोज रखा है आईफोन ने। सैमसंग के अंदर में कॉन्ट्रास्ट लेवल हाई है तो पिक्चर थोड़ी अंडर पोज निकल के आती है। अब यहाँ पर देखो जूम करने के बाद ये जो अगेन यहाँ पर ये वाला एरिया है थोड़ा सा वेल एक्सपोज रखा है आईफोन ने, लेकिन डिटेल स्लाइटली यहाँ पर थोड़ा तो सैमसंग बेटर कैप्चर करता है अल्ट्रा वाइड के अंदर में। ये वाला एरिया थोड़ा बेटर पोज निकल के आ रहा है आईफोन के अंदर में, लेकिन यहाँ पर देखो जो टेक्स्ट पे डिटेल्स है वो स्लाइटली सैमसंग का थोड़ा सा बेटर मैनेज कर लेता है, लेकिन दोनों ही फोन की पिक्चर अच्छी निकल के डिफरेंस ज़्यादा बड़ा देखने को लगा नहीं। अब ये है प्राइमरी कैमरा का मैक्रो शॉट, तो आईफोन के कलर थोड़े से नेचुरल आते हैं एंड सैमसंग में थोड़े से कॉन्ट्रास्ट लेवल हाई आते हैं, तो पिक्चर आई प्लीज निकल के आती है, लेकिन डिटेल्स दोनों ही फोन में इनफ निकल के आते हैं मेन सब्जेक्ट पर। कलर कॉन्ट्रास्ट खुद का चॉइस है, मैक्रो फोटोग्राफी के लिए दोनों ही फोन काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। अब ये है अल्ट्रा वाइड से मैक्रो शॉट से आईफोन एंड 3D HD फोटो पे सैमसंग, तो यहाँ पर देखो डेप्थ फील्ड सैमसंग में बेटर है, कलर कॉन्ट्रास्ट अगेन आईफोन में नेचुरल निकल के आती है, तो यहाँ पर जो बोके इफेक्ट है आपको सैमसंग में देखने को मिलेगा 3X पे, तो मैक्रो शॉट क्लिक करने के लिए 3X थोड़ा मुझे बेटर देखने को लगा। अब ये है 5X पे जूम पे, तो क्वालिटी स्लाइटली यहाँ पर 5X पे थोड़ा सैमसंग बेटर निकल के आता है। यहाँ पर देखो ये वाले बोर्ड पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है एंड यहाँ पर देखो जूम क्वालिटी जो है सैमसंग की बेटर निकल के आती है। अगेन यहाँ पर नोटिस करो कि आप जो 10X पे क्वालिटी जो है वो स्लाइटली यहाँ पर डिटेल्स थोड़ा सा बेटर कैप्चर किया सैमसंग टेक्स्ट पे, तो जूम क्वालिटी एंड कैपेसिटी दोनों सैमसंग की बेटर निकल के आती है। 30X जाएगा मैक्सिमम तक, लेकिन मैंने किया सिर्फ 10X कंपैरिजन को बैलेंस रखने के लिए। अब यहाँ पर देखो टेलीफोटो कैमरा का थोड़ा सा बेटर आउटपुट निकल के दे रहा है सैमसंग। अब देखो डायरेक्ट सनलाइट में ये है दोनों फोन का प्राइमरी कैमरा, इसका ही थोड़ा बूस्ट किया है सैमसंग। स्किन टोन भी थोड़ा सा आईपीजिन कैप्चर करता है सैमसंग एंड आईफोन के अंदर में थोड़े से क्लोज टू नेचुरल लगता है, लेकिन पिक्चर दोनों फोन की बेटर निकल के आई है। अब यहाँ पर देखो पिक्चर को जूम करने के बाद जो डिटेल्स है फेस पे आपको दोनों फोन में इनफ निकल के आती है। आईफोन की कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़े से क्लोज टू नेचुरल है एंड सैमसंग में थोड़ी सी आईपीजिन निकल के आती है। यहाँ पर देखो अगेन थोड़ा इसका बूस्ट किया है सैमसंग, बट पिक्चर आईपीजिन निकल के आती है। तो प्राइमरी कैमरा का जो ह्यूमन फोटोग्राफी है वो आपको स्लाइटली दोनों फोन के अच्छी लगने वाली है एंड दोनों फोन के अच्छी निकल के आती है। खुद का चॉइस है कलर कॉन्ट्रास्ट स्किन टोन वगैरह, पर्सनली यहाँ पर मुझे सैमसंग का थोड़ा सा बेटर देखने को लगा। अब सेम एज अल्ट्रा वाइड में यहाँ पर देखो हार्ड सनलाइट में स्काई तो ज़्यादा बूस्ट किया है सैमसंग, डार्क वाले एरिया स्लाइटली बेटर एक्सपोज निकल के आ रहे आईफोन के अंदर में, लेकिन देखो रोड थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है, एक्सपोजर थोड़ा बूस्ट करता है आईफोन। एंड यहाँ पर देखो जो कलर कॉन्ट्रास्ट स्किन टोन है वो आपको सैमसंग के थोड़ी सी एप्लीसिन एंड आईफोन में क्लोज टू नेचुरल, डिटेल्स आपको दोनों ही फोन में इनफ निकल के आती है, लेकिन डिटेल स्लाइटली अल्ट्रा वाइड में आपको सैमसंग बेटर कैप्चर करता है। देखो यहाँ पर डार्क वाले एरिया आईफोन में बेटर स्पोज निकल के आ रहे, लेकिन कलर कॉन्ट्रास्ट सैमसंग में थोड़े से आईप्लीजन निकल के आते हैं, तो डिटेल्स थोड़ा बेटर कैप्चर करता है स्लाइटली सैमसंग अल्ट्रा वाइड के अंदर में। अगेन यहाँ पर नोटिस करोगे आप चैलेंजिंग सिचुएशन में आईफोन की पिक्चर थोड़ी ओवर एक्सपोज हो रही है, यहाँ पर देखो जो जींस है तो नोटिस करोगे आप एंड जो फिंगर है यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपोजर को बूस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर देखो कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा रेड टोन नोटिस किया मैंने सैमसंग के अंदर में। जूम करने के बाद देखो फेस थोड़ा सा वाइट आपको देखने को लग रहा है आईफोन के अंदर, फेस तो नेचुरल नहीं है दोनों फोन के अंदर में, कलर कॉन्ट्रास्ट खुद का चॉइस है। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोनों फोन के रियर कैमरा 360 FPS पे, और यहाँ पर देखो जो डायनामिक रेंज है वो किसकी बेटर निकल के आ रही है। साउंड भी इसी फोन का माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, तो स्लाइटली जो फेस पे डिटेल्स है वो कॉन्ट्रास्ट लेवल जो स्क्रीन टोन है वो आपको आईफोन में थोड़ी सी बेटर देखने को लग रही है। तो यहाँ पर जो है कलर वगैरह आईफोन के अंदर में थोड़ी सी वार्म है, और सैमसंग में यहाँ पर देखो थोड़ा सा कूल टोन है। ऑटो फोकस यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का काफ़ी फास्ट है। और यहाँ पर देखो जो स्काई में जो डायनेमिक रेंज है वो आपको देखो डार्क वाला एरिया थोड़ा स्लाइटली बेटर एक्सपोज है आईफोन के अंदर में। यहाँ पर देखो और अगेंस्ट द लाइट में यहाँ पर देखो दोनों फोन तो बेटर है, बट यहाँ पर देखो जो स्काई है वो थोड़ा सा मुझे बेटर दिख रहा है आईफोन में, जो मेन सब्जेक्ट है थोड़ा सा बेटर है मेंटेन किया है।
कहाँ से मिलता है, ये लोग ऑप्टिमाइज नहीं रहता है ये लोग, यूआई वाई में बहुत बग्स रहता है ये लोगों का, वीवो में बग्स है, ओप्पो में बग्स है, वन प्लस अच्छा था मेरा बस। सो अब यहाँ से मैं एक बार चेक करता हूँ स्टेबिलाइजेशन, एंड यहाँ पर लेंस स्विच देखो, ये 0.1 अल्ट्रा वाइड, 1x 2x 3x, ये 1x, ये 2x, ये 2x, तो लेंस स्विचिंग की स्मूथनेस आपको थोड़ा सा बेटर है आईफोन के अंदर में। ओके, और वीडियो में अगर जूम की बात करेंगे, यहाँ पर देखो ये जाएगा 12x तक एंड ये जाएगा आपको 6x तक। तो अगर बात करेंगे 6x पे अगर मैं रखूँ दोनों ही फ़ोन को मैक्सिमम जूम पे, देखो 6x दोनों ही फ़ोन है, तो डिटेल्स आपको फीडबैक पे थोड़ा सा सैमसंग थोड़ा सा बेटर कैप्चर कर लेता है, बाकी ज़्यादा बड़ा एवरेज नहीं, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को लगा नहीं है। तो यह है सिनेमैटिक वीडियो दोनों फोन का 1080p 30fps पे। अब यहाँ पर देखो स्क्रीन टोन, यहाँ पर थोड़ा सा आईप्रिजन कैप्चर करता है आईफोन, कलर कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर देखो एक्चुअल जो कलर है आपको टी शर्ट के आपको दोनों फोन ने तो मेंटेन नहीं किया, थोड़ा सा बूस्ट करता है। एज डिडक्शन स्लाइटली यहाँ पर सैमसंग का बेटर है, फ्रेम दोनों फोन बिल्कुल भी स्किप नहीं करता, ज़्यादा कुछ इशूज नहीं है फ्रेम स्किप करने का दोनों फोन के अंदर में, और ऐसा कुछ जिटरिंग इशूज भी नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट पर जो डिटेल्स है एंड जो कलर कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पर देखो सैमसंग का स्लाइटली बेटर है, यहाँ पर टेक्स्ट पे जो डिटेल्स है एज डिडक्शन है वो सैमसंग का थोड़ा सा बेटर मुझे देखने को लगा, ठीक ही लग रहा है दोनों। अब यह है प्राइमरी कैमरा का पोर्ट्रेट शॉट 1x मोड पे, तो कलर कॉन्ट्रास्ट दोनों फोन की नेचुरली स्किन टोन आईप्रिजन कैप्चर करता है आईफोन थोड़ा ज़्यादा बूस्ट किया स्किन को, फेस को थोड़ा सा फेयरनेस यहाँ पर ऐड किया है, एक्सपोजर को भी थोड़ा बूस्ट करता है। तो कलर कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर सैमसंग की थोड़ी सी क्लोज टू नेचुरल आती है प्राइमरी सेंसर में, एंड आईफोन में थोड़ी सी आईप्रिजन निकल के आती है, एज रिडक्शन दोनों फोन का अच्छा है, डिटेल्स मेन सब्जेक्ट पर दोनों फोन ने बेटर कैप्चर करता है। अब यह है 2x डिजिटली आईफोन पे, 3x टेलीफोटो सैमसंग पे, तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड सैमसंग का थोड़ा सा बेटर निकल के आ रहा है, सैमसंग में थोड़े से कॉन्ट्रास्ट ओवर का आपको नोटिस करेगा रेड टोन, एंड आईफोन में थोड़ा सा आपको आईप्रिजन कैप्चर करते हैं स्किन टोन। जूम करने के बाद डिटेल्स आपको दोनों फोन में इनफ है, लेकिन कभी कभी आईफोन गलती से मिरेकल कर देता है। देखो यहाँ पर एज डिडक्शन ने बेटर कैप्चर किया है आईफोन एज कम्पेयर टू सैमसंग, ये कभी कभार होता है मिरेकल एक तरह का, बाकी हर टाइम ऐसा नहीं होता है, हर टाइम स्ट्रगल करता है। अब यहाँ पर देखो चैलेंजिंग सिचुएशन था भाई, अब यहाँ पर तीन बैकग्राउंड है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया, फोन ज़्यादा कंफ्यूज हो गया भाई किसको ब्लर करना है किसको फोकस में रखना है। तो यहाँ पर देखो एयर डिडक्शन में दोनों ही फोन स्ट्रगल किया, बट सैमसंग में एक्सपोजर कंट्रोल थोड़ा सा बेटर किया, टी शर्ट का एक्चुअल ब्लू कलर आपको सैमसंग ने मेंटेन किया, डिटेल्स तो दोनों ही फोन में इनफ है, लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा सा रेड टोन है सैमसंग के अंदर में, एंड आईफोन ज़्यादा बूस्ट किया एक्सपोजर को तो पिक्चर नेचुरल निकल के नहीं आती। यहाँ पर देखो जो टेक्स्ट पे जो डिटेल्स है वो स्लाइटली सैमसंग का थोड़ा सा बेटर है, कलर कॉन्ट्रास्ट जैकेट का ये वाला ब्लू कलर सैमसंग ने मेंटेन किया। और अब यहाँ पर देखो सैमसंग की जो इमेज है थोड़ी सी क्लोज टू नेचुरल है, आईफोन की इमेज पिक्चर जो है काफ़ी एप्रिजन निकल के आई है, काफ़ी आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा, बट पिक्चर दोनों फोन की अच्छी निकल के आई है, डिटेल्स तो आपको दोनों फोन में इनफ है। यहाँ पर देखो जूम करने के बाद एयर रिडक्शन दोनों फोन का अच्छा निकल के आता है, आईफोन में थोड़ा सा ग्रीन टोन ऐड करता है जिसके साथ आपको जो फेस है नेचुरल नहीं आते बट एप्रिजन निकल के आती है, लेकिन यहाँ पर देखो पिक्चर दोनों फोन की अच्छी निकल के आई, एयर रिडक्शन दोनों फोन का अच्छा है। अब यहाँ पर देखो एयर रिडक्शन चैलेंज में जो एक्चुअल ब्लू कलर है आपको टी शर्ट का वो आपको सैमसंग ने मेंटेन किया, आईफोन में यहां पर देखो कलर ज्यादा ब्लैक देखने को लग रहे होंगे, नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो कलर कॉन्ट्रास्ट दोनों ही फोन का तो नेचुरल नहीं है बट सैमसंग का थोड़े से क्लोज टू नेचुरल है, एज डिडक्शन दोनों फोन का काफी अच्छा निकल के आते हैं, डिटेल स्लाइटली थोड़ा बेटर है सैमसंग के अंदर में, डेप्थ ऑफ फील्ड थोड़ा सा बेटर कैप्चर करता है सैमसंग, जो मेन ग्राउंड है जो फोर ग्राउंड थोड़ा हटके निकल के आता है, टेलीफोटो कैमरा का काफ़ी अच्छा फील आता है सैमसंग के अंदर में, थोड़ा स्ट्रगल किया यहाँ पर आईफोन ने एयर रिडक्शन को मेंटेन करने में, थोड़ा ओवरलैप करता है जो एज है काफ़ी क्लीन कैप्चर करता है सैमसंग। और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p 60fps पे दोनों फोन के फ्रंट कैमरा से, और यहाँ पर देखो जो स्किन टोन है जो क्वालिटी है वो आपको आईफोन का थोड़ा सा बेटर है, तो फेस पे देखो डिटेल्स दोनों ही फ़ोन अच्छे कैप्चर कर लेता है, स्क्रीन टोन थोड़े से आईप्रिजन आ रहे हैं आईफोन के अंदर में, और यहाँ पर देखो सामने से लाइट आ रही है ऊपर से, कॉन्ट्रास्ट अब देखो अगेंस्ट द लाइट में जो डायनामिक रेंज है वो देखो थोड़ा सा स्काई जो है बेटर मैनेज किया है गैलेक्सी S24। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा स्लाइटली जो है वीडियो क्वालिटी जो है जो एक्चुअल जो कलर टोनिंग है टी शर्ट का रेड कलर
वो मुझे थोड़ा सा आईफोन में बेटर देखने को लगा है। और एक बार यहाँ से मैं चेक करता हूँ स्टेबिलाइजेशन इसका बेटर निकल के आता है। इसका ही थोड़ा सा बेटर मैनेज है बैकग्राउंड में सैमसंग में। तो देखो अब ये है इंडोर वीडियो दोनों ही फोन से। देखो थोड़ा सा जो है नोज़ जो है वो आईफोन 16 में ओवर एक्सपोज हो रहा है, बट यहाँ पर देखो सनलाइट जो है बिल्कुल सामने से आ रही है। और एक बार सामने लाने पे जो फेस पे डिटेल्स है वो आपको दोनों ही फोन में बेटर है। स्किन टोन लेकिन थोड़ा सा ना क्लोज टू नेचुरल लगता है आईफोन, एंड सैमसंग के अंदर में स्किन टोन भी बेटर है, बट थोड़ा सा आप आई प्लीजिंग कह सकते हो स्किन टोन। ओके, जो टेक्चर वगैरह है दोनों ही फ़ोन में बेटर स्पोज है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा सनलाइट हार्ड आने पर जो है वो आईफोन थोड़ा स्ट्रगल करता है फेस को एक्सपोजर को मेंटेन करने में, वेयर एज देखो गैलेक्सी S24 में जो फेस पे एक्सपोजर कंट्रोलिंग काफ़ी बेटर निकल के आ रहा है। और ये देखो अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है नोज़ आईफोन 16 में। ओके, इस तरफ से। एंड वापस से अगर अगेंस्ट द लाइट में चेक करोगे डायनामिक रेंज, तो डायनामिक रेंज दोनों ही फ़ोन का बेटर है, लेकिन यहाँ पर देखो फेस पे ज़्यादा नॉइज़ है आईफोन में। और देखो सैमसंग के अंदर में फेस बेटर एक्सपोज है, नॉइज़ भी काफ़ी कम है। और देखो क्लोज लाने पर आपको दिखेगा यहाँ पर देखो ऊपर के साइड में। ओके, अब यहाँ पर देखो सामने से लाइट नहीं आ रही थी, तो आईफोन का स्किन टोन थोड़ा सा नेचुरल है। एंड जो टी शर्ट का एक्चुअल कलर आपको आईफोन ने कैप्चर किया, सैमसंग में थोड़े से आईप्रिजन कैप्चर करता है, थोड़े से वार्म पिक्चर निकल के आती है। बट यहाँ पर पिक्चर दोनों फोन की खुद की चॉइस है, मुझे पर्सनल यहाँ पर आईफोन थोड़ा सा बेटर देखने को लगा। डिटेल्स दोनों फोन में इनफ निकल के आती है, जो फेस का थोड़ा टेक्चर वगैरह है वो स्लाइटली आईफोन थोड़ा सा बेटर कैप्चर करता है, लेकिन सैमसंग की पिक्चर भी अच्छी निकल के आई है। अगेंस्ट द लाइट में देखो बैकग्राउंड में जो डायनेमिक रेंज है वो आपको आईफोन ने बेटर कैप्चर किया, सैमसंग थोड़ा स्ट्रगल किया। लेकिन यहाँ पर देखो कलर कॉन्ट्रास्ट जो फेस पे है वो आपको दोनों फोन की तो नेचुरल, ये बियर्ड थोड़ा ब्लैक निकल के आया दोनों फोन के अंदर में, टी शर्ट थोड़ा सा बेटर कैप्चर किया आईफोन। डेप्थ ऑफ फील्ड स्लाइटली यहाँ पर आईफोन का थोड़ा सा बेटर है, स्किन टोन भी थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल है कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह, लेकिन पिक्चर दोनों फोन की अच्छी निकल के आई है। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई है सैमसंग के अंदर में, देखो यहाँ पर जो बियर्ड है थोड़ा ज़्यादा ब्लैक देखने को लग रहा होगा सैमसंग के अंदर में। जूम करने के बाद जो डिटेल्स है दोनों ही फोन में इनफ है। एज रिडक्शन यहाँ पर देखो सैमसंग का थोड़ा क्लीन है, आईफोन का एज रिडक्शन थोड़ा सा स्ट्रगल करता है कंट्रोल करने में। अब यहाँ पर देखो इनडोर लाइटिंग कंडीशन में सामने से लाइट आ रही थी, तो फेस थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है आईफोन के अंदर में। स्किन टोन तो आपको दोनों ही फोन की नेचुरल नहीं है, आईप्रिजन कैप्चर करता है दोनों ही फोन। तो इंडोर में यहाँ पर लाइट कंट्रोल स्लाइटली सैमसंग का थोड़ा सा बेटर निकल के आता है। अब यहाँ पर देखो स्किन टोन तो दोनों फोन की नेचुरल नहीं है, आई प्रिजन ज़्यादा कैप्चर करता है आईफोन, लेकिन पर्सनली यहाँ पर मुझे आईफोन का स्किन टोन थोड़ा सा बेटर देखने को लगा। सैमसंग में थोड़ा सा ओवर शार्पनिंग नोटिस किया मैंने, बट यहाँ पर देखो पिक्चर दोनों फोन की अच्छी निकल के आती है। डिटेल्स तो आपको दोनों फोन में इनफ निकल के आते हैं, आईफोन ज़्यादा ही फेयर करता है स्किन टोन को, सामने से अगर लाइट मिले तो आईफोन ज़्यादा गोरा बना देता है आपको, लेकिन चॉइस खुद का है। एंड यहाँ पर देखो अगेन डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ पर आईफोन का थोड़ा सा बेटर है स्किन टोन, लेकिन आईफोन में यहाँ पर आउटडोर में स्लाइटली क्लोज टू नेचुरल आती है, सैमसंग के अंदर में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट लेवल हाई रहता है, पिक्चर थोड़ी वार्म निकल के आती है, चॉइस खुद का है। सेल्फी यहाँ पर मुझे स्लाइटली आईफोन का कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बेटर देखने को लगा, एंड सैमसंग में थोड़ी सी आईप्रिजन निकल के आती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पिक करना चाहूँगा सेल्फी में आईफोन को, क्लोज टू नेचुरल पिक्चर रखता है। किसी को आईप्रिजन पसंद है, किसी को नेचुरल, तो किसी को आईप्रिजन भी अच्छे लगते हैं, पिक्चर दोनों फोन की अच्छी निकल के आई है। यहाँ पे देखिए मेरा ही वीडियो देखा जा रहा है नियो भाई, वीडियो देख रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, अच्छा है, वेरी नाइस। यहाँ पर आईफोन अच्छा है, लेकिन देखिए इसका जो प्राइस है ना, एक्सपोजर कंट्रोल बेटर मेंटेन किया स्क्रीन पे फेस पे, तो लाइटिंग में तो यहाँ पर स्लाइटली आईफोन थोड़ा सा बेटर है लो लाइट के अंदर में। अब यहाँ पर लो लाइट में यहाँ पर देखो आईफोन में ऑटो नाइट काम करता है, तो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हाई है सैमसंग में, वेयर एज कलर कॉन्ट्रास्ट आईफोन में थोड़े से क्लोज टू नेचुरल है, पिक्चर दोनों ही फ़ोन की अच्छी निकल के आई है। एंड जो पिक्चर थोड़ी सी वार्म आती है सैमसंग के अंदर में, जूम करने के बाद डिटेल्स तो आपको दोनों ही फ़ोन में इनफ है, लेकिन रेड वाला कलर थोड़ा सा आईफोन में नेचुरल है, एंड सैमसंग में थोड़ी सी वार्म पिक्चर। अब यहाँ पर देखो आईफोन ने स्ट्रगल किया यहाँ पर लाइट कंट्रोल करने में, आर्टिफिशियल लाइट में थोड़ा सा आईफोन स्ट्रगल किया, टेक्स्ट पे थोड़ी नॉइज़ भी है, तो स्लाइटली यहाँ पर जो टेक्सचर वगैरह है आपको सैमसंग की थोड़ी सी बेटर मेंटेन्ड है। अब यहाँ पर देखो जूम करने के बाद जो टेक्स्ट पे डिटेल्स है वो स्लाइटली सैमसंग ने बेटर कैप्चर किया है।
तो लो लाइट आर्टिफिशियल लाइट में लाइट कंट्रोल सैमसंग का थोड़ा बेटर है, डिटेल्स टेक्सचर नॉइज़ वगैरह अच्छे कैप्चर कर लेता है। अब यहाँ पर देखो ये वाला एरिया स्लाइटली सैमसंग में थोड़ा सा ओवरएक्सपोज हो रहा है, ओवरएक्सपोज तो दोनों ही फ़ोन में हो रहा है बट सैमसंग में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ओवरएक्सपोज, वेयर आईफोन थोड़ा सा बेटर मेंटेन किया है कलर कॉन्ट्रास्ट को, कलर भी थोड़े से नेचुरल निकल के आ रहे, सैमसंग में थोड़ा बूस्ट किया है। देखो जूम करने के बाद डिटेल्स दोनों ही फोन में इनफ है, लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा ज़्यादा ओवरएक्सपोज हो रहा है पिक्चर सैमसंग के अंदर में। आईफोन ने थोड़ा बेटर कंट्रोल किया एज कम्पेयर टू सैमसंग, कलर भी थोड़े से नेचुरल निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर देखो ये जो डार्क वाले एरिया है ना, थोड़ा सा बेटर एक्सपोज है आईफोन के अंदर में, कलर थोड़ा ज़्यादा बूस्ट किया यहाँ पर ये वाले एरिया में जो पिंक कलर निकल के आते वॉल पे। अब आर्टिफिशियल लाइट में यहाँ पर स्लाइटली सैमसंग ने बेटर काम किया है, फिलर्स कंट्रोल तो आईफोन का काफ़ी बेटर, सेंसर काफ़ी नया है, लेंस काफ़ी नया आईफोन के अंदर में, तो फिलर्स कंट्रोल अच्छे कर लेता है। लेकिन यहाँ पर देखो लाइट पे जो एक्चुअल लाइट के अंदर जो बल्ब जल रहे हैं ना, उसका भी शेप एक्चुअल कैप्चर किया है सैमसंग ने। लाइट कंट्रोल जो टेक्स्ट पे जो डिटेल्स है, नॉइस कंट्रोल सैमसंग का थोड़ा सा बेटर है शार्पनिंग वगैरह में। अब देखो कवर के अंदर में कौन सा बल्ब जल रहा है वो भी आपको सेफ मालूम पड़ रहा है सैमसंग के अंदर में, तो स्लाइटली कलर कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर सैमसंग का थोड़ा सा बेटर निकल के आता है। अब लेंस थोड़ा सा जनरेशन पुराना है तो फिलर्स काफ़ी कैप्चर करता है। इंटीरियर का लाइट कंट्रोल स्लाइटली यहाँ पर सैमसंग का बेटर है, एंड यहाँ पे जो डिटेल्स है आपको थोड़ा बेटर कैप्चर किया है सैमसंग। अब देखो आईफोन थोड़ा स्ट्रगल करता है आर्टिफिशियल लाइट में, अब एक्सट्रीम लो लाइट में यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है एक नॉर्मल आई से, बट दोनों ही फोन ने यहाँ पर पिक्चर को वेल एक्सपोज रखा है। जो स्टेयर्स है यहाँ पर स्लाइटली बेटर एक्सपोज निकल के आ रहे हैं सैमसंग के अंदर में, लेकिन देखो पिक्चर दोनों ही फोन की अच्छी निकल के आई है, कलर थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ही कैप्चर किया आईफोन। अब देखो यहाँ पर फ्रंट कैमरा में जो सामने से लाइट आ रही थी तो यहाँ पर पिक्चर दोनों ही फोन की अच्छी निकल के आई है, लेकिन यहाँ पर देखो फेस पे थोड़ा नॉइज़ है आईफोन के अंदर में, बाकी पिक्चर दोनों ही फ़ोन की काफ़ी अच्छी निकल के आई है। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई है सैमसंग में, यहाँ पर देखो बियर्ड थोड़ा ज़्यादा ब्लैक देखने को लग रहा होगा आपको सैमसंग के अंदर में। डिटेल्स तो आपको दोनों ही फ़ोन में इनफ है, लाइट कंट्रोल यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का अच्छा है, पर्सन यहाँ पर मुझे सैमसंग थोड़ा सा बेटर देखने को लगा। अब यहाँ पर देखो बैकलाइट HDR में फिलर्स कंट्रोल आईफोन का काफ़ी अच्छा है, फेस भी थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल निकल कर स्किन टोन वगैरह में, एंड सैमसंग यहाँ पर थोड़ा सा वार्म पिक्चर क्लिक करता है, पिक्चर थोड़ी सी पंची निकल के आती है कलर वगैरह को यहाँ पर, लेकिन पिक्चर में डिटेल्स आपको दोनों ही फोन में इनफ है। अब यहाँ पर देखो फेस को ज़्यादा ब्यूटीफाइड किया आईफोन ने, एंड सैमसंग में यहाँ पर देखो फेस थोड़ा स्मूथ निकल के आया है, लेकिन यहाँ पर देखो जो कलर कॉन्ट्रास्ट हेयर पे ऊपर पे ना एक्सपोजर कंट्रोल वो आपको स्लाइटली यहाँ पर सैमसंग का मुझे थोड़ा सा बेटर देखने को लगा। सेल्फी में थोड़ा सा उलटफेर कभी कभी होता है, डिटेल्स तो आपको यहाँ पर दोनों ही फोन में इनफ है। यहाँ पर देखो हेयर थोड़ा सा बेटर एक्सपोज आया सैमसंग के अंदर में, तो सेल्फी यहाँ पर लो लाइट में दोनों ही फोन अच्छे परफॉर्म करते हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा आईफोन बेटर निकाल के देगा आपको स्क्रीन टोन वगैरह। एक्सट्रीम लो लाइट में यहाँ पर आईफोन स्ट्रगल करता है फ्रंट कैमरा में, डिटेल्स थोड़ा बेटर कैप्चर करता है सैमसंग, कलर कॉन्ट्रास्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा बेटर मैनेज कर लेता है, तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। सेल्फी में आपको लाइट कंडीशन में आपको थोड़ा बेटर कैप्चर करता है आईफोन, एंड एक्सट्रीम लो लाइट में सैमसंग। देखो जूम करने के बाद डिटेल्स थोड़ा बेटर कैप्चर किया सैमसंग, तो पर्सनल यहाँ पर सेल्फी जो है आपको एक्सट्रीम लो लाइट में सैमसंग की बेटर आती है, एंड थोड़ी लाइट कंडीशन में आईफोन की बेटर निकल के आती है। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि दोनों ही फोन में से सैंपल किसका बेटर निकल के है। अब देखो आईफोन 15 के कंपेयर में 16 का जो आउटपुट है वो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, इवन लो लाइट के अंदर में जो डिटेल्स है एंड जो एक्सपोजर कंट्रोल है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ पहले से, बट कभी कभी थोड़ा स्ट्रगल करता है डायरेक्ट सनलाइट में, हार्ड सनलाइट में एक्सपोजर को कंट्रोल करने में, इवन फ्रंट कैमरा के अंदर में। तो जो फ्रंट कैमरा की वीडियोस क्वालिटी है वो आपको लास्ट 13, 14, 15, 16 के अंदर में सेम प्रॉब्लम है, डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ा सा एक्सपोजर को कंट्रोल करने में, हार्ड सनलाइट में स्ट्रगल करता है फ्रंट कैमरा के अंदर में। और रियली पोर्ट्रेट शॉट के अंदर में जो डिटेल्स है एंड जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो आपको थोड़ा सा गैलेक्सी S24 का बेटर निकल के आ रहा था। अब देखो टेलीफोटो कैमरा एज कम्पेयर टू आईफोन 16 बेटर आपको निकाल के दे रहा था आउटपुट, तो यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा थोड़ा सा आपको एक दे रहा है एक एडवांटेज अच्छे खासे पोर्ट्रेट्स और क्लिक करने के लिए एंड वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। साथ में इसी 3x टेलीफोटो कैमरा से आप मैक्रोशॉट भी क्लिक कर सकते हो आईफोन के अंदर में, मैक्रोशॉट के लिए आपको मिलता है अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर। और वीडियोज में थोड़ा सा लो लाइट में आईफोन का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा मुझे बेटर देखने को लगा पहले से, स्क्रीन टोन वगैरह को थोड़ा सा बेटर मैनेज कर लेता है, बाकी लेकिन फर्क ज्यादा बड़ा देखने को नहीं लगा, दोनों ही फोन का आउटपुट बेटर निकल के आ रहे थे, कहीं कहीं भी थोड़ा सा 19-20 का फर्क देखने को लगा है। लेकिन अगर आपको बाय करना है एक अच्छा फ्लैगशिप, परफॉर्मेंस स्लाइटली यहाँ पर आईफोन का थोड़ा सा बेटर है, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी आपको मिलता है 120Hz का S24 के अंदर में, तो ज्यादा स्मूथ फील होता है। बाकी मेरे हिसाब से अंडर 60 के गैलेक्सी S24 काफ़ी अच्छा डील है, एंड आने वाले 4-5-6 महीने के बाद में आईफोन 16 का भी प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, लगभग आपको 60-65 में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे उस टाइम में आपके लिए अच्छा डील होने वाला है। तो अभी के लिए फिलहाल आप एक पल के लिए
आईफोन 16 को अवॉइड कर सकते हो। बाय द वे मैंने शेयर किया अपना एक ऑनेस्ट एक ट्रू रिव्यू, तो आप ठोकना एक लाइक एंड कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।